गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ मीनाक्षी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू गेट ग्लोइंग स्किन ड्यूरिंग समर्स। समर्स में ग्लोइंग स्किन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रीज़न इज एक तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ऊपर से ह्यूमिडिटी बहुत होती है, ओपन पोर्स जो होते हैं वो और ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, प्लस पिंपल्स आने लग जाते हैं, स्किन में ऑयल ज़्यादा जनरेट होने लग जाता है, तो इनकी वजह से ना स्किन बहुत डल सी दिखने लग जाती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ग्लो को मेंटेन करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी, उन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी स्किन के ग्लो को मेंटेन कर सकते हो ड्यूरिंग समर्स। फर्स्ट इज एक्सफोलिएट योर स्किन। हमारी स्किन में एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप को ऑटो हील करती है। अब क्योंकि गर्मियों में जो प्रॉब्लम्स होती है स्किन की वो ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली स्किन का जो ऑटो हीलिंग का काम होता है वो भी बढ़ जाता है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारी स्किन पे डेड सेल्स इकट्ठी होने लग जाती है, उससे एक तो आपकी स्किन डल नज़र आने लगती है, दूसरी चीज़ जो स्किन का ऑटो हीलिंग का काम होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट वीक में एक बार स्किन को एक्सफोलिएट ज़रूर कीजिए। इसके लिए अगर आप चाहो तो मार्केट में जो रेडीमेड स्क्रब अवेलेबल होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, या तो फिर घर पे भी आप कोई अच्छा सा स्क्रब बना के अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हो। लाइक सी सॉल्ट को आप पानी में मिला के उसका एक पेस्ट बना लीजिए और उसे अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो आप चावल के आटे को एलोवेरा जेल में मिला के भी एक अच्छा खासा स्क्रब बना सकते हो और उसे अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज टोन योर स्किन। गर्मियों में टोनर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनके लिए तो गर्मियों में टोनर इज़ लाइक वरदान टाइप। ये क्या करता है कि टोनर एक तो आपकी स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल गर्मियों में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है उसको रिड्यूस करता है, प्लस ओपन पोर्स अगर फेस पे है तो उसे भी श्रिंक करता है। अगर ओपन पोर्स क्लीन हो गए, श्रिंक हो गए, तो ऑब्वियसली जो पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है फेस पे वो ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ गर्ल्स की, जब भी आप टोनर का यूज़ करो तो हमेशा टी जोन पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि टी जोन ही वो एरिया होता है, टी जोन ये वाली जो जोन होती है, टी जोन ही वो एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल सिक्रेट होता है एंड सबसे ज़्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता है। एंड टोनर यूज़ करने के बाद उसका इंपैक्ट आप क्लियरली अपने फेस पे देख पाओगे। अगर फेस पे जो ओपन पोर्स है वो श्रिंक हो जाएंगे एंड पिंपल्स भी कंट्रोल हो जाएंगे, तो नेचुरली जो स्किन है वो ग्लो करने लगेगी। थर्ड टिप इज़ अपडेट योर मॉइस्चराइजर। अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि गर्मियों में तो वैसे ही फेस पे इतना ऑयल होता है तो हमें मॉइस्चराइजर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप कंप्लीटली रॉन्ग हो। गर्मियों में भी उतनी ही ज़रूरत होती है स्किन को मॉइस्चराइज करने की जितनी की सर्दियों में होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गर्मियों में जो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। जैसे कि मैं अभी गर्मियों में क्या करती हूँ कि मैं मम्मा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैं नहाने के बाद जब भी आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फेस पे मॉइस्चर की कमी है, तो मैं हमेशा यही वाला ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, दूसरा ये चिपचिप बिल्कुल नहीं है। आप इसे स्किन पे लगाते हो तो दो मिनट के अंदर ही ऐसे हो जाता है कि जैसे स्किन पे कुछ लगाया ही नहीं, लेकिन हाँ ग्लो आपको क्लियरली दिखेगा। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है एक तो विटामिन सी एंड गो टू कोला। विटामिन सी का तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपके कोलेजन के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, तो स्किन और ज़्यादा यूथफुल लगती है। प्लस इसमें जो गो टू कोला इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है एंड ये बहुत डीप तक आपकी स्किन में पेनिट्रेट करके अंदर तक असर दिखाता है। काफ़ी सॉलिड वाले इंग्रेडिएंट्स इस मॉइस्चराइजर को बनाने में यूज़ किए गए हैं, तो डेफिनेटली आप बिना सोचे समझे इसे यूज़ कर सकते हो गर्मियों में। एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ममा अर्थ। कई बार आप लोग मुझे पूछते हो कि इन चीज़ों को आप खरीदे कैसे, ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स को। अब तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदना और भी ईजी हो गया है क्योंकि ममा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दी है एंड आप ऐप पर जाकर इन्हें डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट चाहिए इनके प्रोडक्ट्स पर तो आप डेफिनेटली मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। एंड ममा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल नेचुरल होते हैं एंड दे आर ऑल फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। ये मुझे इनकी बहुत अच्छी चीज़ लगती है, सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। एंड ऑल्सो जब भी आप इनके कोई प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट से खरीदते हो तो ये डायरेक्टली आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं एक ट्री से जिसे ये प्लांट करते हैं एंड उसकी सारी की सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। सो डेफिनेटली इन गर्मियों के लिए मैं आपको ममा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर रिकमेंड कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो अगर आपके फेस पे एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादा है, पिंपल्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप इनका टी ट्री वाला ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके पिंपल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। सो ये दो प्रोडक्ट्स आप इन गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट इज़ जो कि शायद आपको पसंद ना आए लेकिन बहुत ज़रूरी है, गेट इनफ एक्सरसाइज। अगर
आपने ये सोच के कि बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आता है, एक्सरसाइज छोड़ दी है, तो ऐसा मत कीजिए, हार मत मानिए। बहुत ज़रूरी होता है डेली रूटीन में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए। मेरा भी बहुत बार मन करता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक लूँ, आराम से टीवी के सामने बैठूँ, मूवी देखूँ और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ना करूँ, मेरा बहुत मन होता है। लेकिन ये चीज़ ना तो आपकी स्किन के लिए अच्छी है, ना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और ज़्यादा अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी स्किन तक, आपके लंग्स तक पहुँचेगी, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी स्किन तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा ग्लो आपकी स्किन करेगी। सो डेफिनेटली आपकी जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उसमें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड कीजिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ गो ईजी ऑन योर मेकअप। वैसे तो गर्मियों में इतनी चिपचिप होती है कि मेकअप करने का वैसे ही मन नहीं करता, बट फिर भी अगर आपको कभी ऐसा हो कि कहीं आना जाना है या कोई फंक्शन अटेंड करना है और आपको मेकअप करना पड़ जाए, तो बहुत हैवी मेकअप मत कीजिए, हल्का फुल्का सा मेकअप कीजिए। अगर आप बहुत सारी परतें लगा लेंगे, लेयर्स लगा लेंगे मेकअप के फेस पे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जितने भी ओपन पोर्स हैं वो सारे क्लोग हो जाएंगे, और क्लोग होने के बाद पिंपल्स उनमें आना शुरू हो जाएंगे, आगे की कहानी तो फिर आपको पता ही है कि क्या होगा फेस पे। सो ऑलवेज मेक श्योर कि गर्मी में बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें। आप फाउंडेशन लगाने के बजाय हल्की सी बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम लगा सकते हो, और इस तरीके से आप अगर अपनी स्किन पे कम मेकअप लगाओगे तो आपकी स्किन भी खुश रहेगी, स्किन खुश रहेगी तो आप भी खुश रहोगे। सो गर्ल्स, ये थे 5 वेरी प्रैक्टिकल टिप्स टू गेट ग्लो इन समर्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद भी आया होगा एंड आपके डेफिनेटली काम भी आएगा। एंड अगर आप इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो तो आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी गर्मियों में। तो मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।